सभी को नमस्कार। जैसे सीएलसी के बारे में सर बता रहे थे, मैं पहले अपने बारे में बताऊं। मायसेल्फ सुशील कौशिक फ्रॉम कुरुक्षेत्रा। मैं पेशे से एक अध्यापक हूं। और बात सीएलसी की, सर जैसे आज आए हैं आपके शहर में, मुझे सीएलसी के बारे में फेसबुक से पता चला था। जो मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं ना सरवण जी को जानता था ना सीएलसी कभी सुना था। सिर्फ मैंने फेसबुक पे ये बात है, जब लॉकडाउन मार्च 20 में लगा, उसके बाद मैं कुदरती एक दिन फेसबुक पे वहाँ देखा, मेरी बेटी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने वहाँ एक नंबर था, नंबर वहाँ कॉल की तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे। फिर वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसके बाद आज ये समझो कि सीएलसी की बदौलत मेरा 1 करोड़ रुपया बच गया है। क्या बात है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना पूरे इंडिया लेवल पे बच्चे कोई छोटी बात नहीं होती। किसी का हरियाणा में हो, पंजाब में, हिमाचल में, कहीं भी हो सकता है। आसाम में बच्चे जाएंगे, तमिलनाडु में भी जाएंगे। रही बात सर ने जितना कुछ यहाँ बताया, चलो ये सर इतने दूर से अपनी इंस्टीट्यूट की ऐड करने आए, ये स्वीकार भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन कोई भी संस्था वाला आपकी बुआ का बेटा नहीं है। आप चाहे सीकर जाएं, चंडीगढ़ जाएं, आकाश जाएं, कहीं भी जाएं, आप 4 इंस्टीट्यूट में जाकर के कंपैरिजन करें, जो आपको 21 लगे आप वहाँ एडमिशन कराएं। कोई जरूरी नहीं है कि सीएलसी ही जाएं। अगर आपके सीएलसी औरों से 21 है तो आप कहीं और क्यों जाएं? या तो आप ये बताएं कि सर यहाँ पे ये कमी है, दूसरों ये ज्यादा है, तो सर उसको तैयार करेंगे। अगर यहाँ 21 है तो हम और कहीं क्यों जाएं? सबसे बड़ी बात यह है कि सर कई लोग कहते हैं कि वहाँ इतना खर्चा है, दूर है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी यदि सीएलसी जाएगा, अगर वो व्यक्ति भाव से जाता है तो वो खाली नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। वहाँ भाव से जाइए, अभाव से मत जाइए, तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी अब वहाँ पे गया था। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको जानूँ, सर का आज एक इतना एम्पायर खड़ा है, अगर ये आज भी काम करना छोड़ दे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। मगर इनकी वजह से हजारों परिवार पलते हैं और करोड़ों लोगों के भविष्य में इन्होंने आगे बनाना है। एक समय वो था, क्योंकि मैं पिछले लगभग 500 के आसपास लाइव हो से लोग 6:30 बजे नेट लाइव आना, और हम 4 दिन हम डायरेक्ट नहीं आते कोई काम, और कुछ ना कुछ नया देना, लोगों को बताना। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, अगर 4 दिन आप नई बातें, लोग सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन हकीकत है कि वहाँ आपको हर रोज नई चीज मिलेगी और कुछ ना कुछ आपके बच्चे के भविष्य की बात मिलती है। और अगली बात यह है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होने के बाद वहाँ लगभग 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ते हैं और हजारों लोग काम करते हैं, फिर भी हर बच्चे के पास सर का डायरेक्ट फोन नंबर होता है। रात को अगर 10 बजे किसी बच्चे को कोई फिजिकली हेल्थ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और सर के पास फोन चला गया, मैं दावा कर सकता हूँ विद इन 2 आवर्स आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। मैंने जो वहाँ के बारे में देखा और समझा, आपकी बेटी, मैं खासकर कहूँगा कि लोग लड़कियों के बारे में सोचते हैं बाहर जाएगी कैसी रहेगी, आपकी बेटी आपके घर से ज़्यादा सुरक्षित है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने वहाँ सिस्टम देखा, माहौल देखा। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और पिछले 24 साल से टीचिंग कराऊँ 10th+1+2 के बच्चों को पढ़ा, जो ये एज होती है ना, खासकर 10th के बाद, ये एक किस्म की तलवार की धार होती है। और वहाँ पर डिसिप्लिन मस्ट, डिसिप्लिन है तो सीएलसी है, और बिना डिसिप्लिन के सीएलसी में कोई जगह भी नहीं है, मैं ऐसा भी मान सकता हूँ। धन्यवाद, बाकी सर बताएंगे।